Bueno, sí. Asalamu alaikum. ¿Qué hacían दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल एंड में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे फोटोशॉप को यूज कर सकते हैं बिना उसको इंस्टॉल किए। आज की वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास जो कहीं पे आउटिंग के लिए गए हुए होते हैं, ठीक है, और उनको कोई ना कोई क्लाइंट का काम करना जरूरी होता है। तो वहाँ पे कोई आपको कंप्यूटर और नेट तो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे पहले। तो जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि आपको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जब चाहें आप उसको इंटरनेट के जरिए चला सकते हैं। तो ये हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो ये वीडियो आप देखा करें, बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जी तो दोस्तों, ये वेबसाइट है जिसका नाम है photopea.com। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको ओपन करके डायरेक्टली ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सेम सेम टू सेम जो है ये आपके फोटोशॉप की तरह है। यहाँ पे मैं F11 प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सेम टू सेम फोटोशॉप की तरह है। ये इसलिए बनाया गया ताकि आप कहीं पे भी बैठ के आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े और आप इजीली अपने काम को कर सकें। ये ऐसा ऐसा एप्लीकेशन इन्होंने ऐसी वेबसाइट दी है, यहाँ पे आप हर तरह का जो जो इसकी लेयर या जो चीजें उसकी सेटिंग फोटोशॉप में होती है वो सेम टू सेम इसमें है। जैसे कि यहाँ पे लेयर है, ओपेसिटी है, यहाँ पे हिस्ट्री, स्वेच, उसके अलावा यहाँ पे देखें आप सब टूल प्रॉपरली काम करते हैं। जिस तरह आपको फोटोशॉप में काम करते हैं उस तरह ही इसमें भी काम करते हैं। मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कोई फोटो को ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कवर फोटो। तो ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मैंने जेपीजी में सेव किया हुआ है। आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी पीएसडी फाइल को ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल जो आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं उसको पीएसडी में सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल वही सेटिंग कर सकते हैं जो आप फोटोशॉप पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लेयर्स है, यहाँ पे लेयर्स सेम उसी तरह ही काम करेंगी। यहाँ पे न्यू न्यू लेयर करोगे तो न्यू लेयर ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज, इसमें इन्होंने और चीज कि इन्होंने ब्लेंडिंग ऑप्शन तक दिए हैं इसमें। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसमें ना अवेल हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह। जैसे देखिए, ये देखिए, ये सेम फोटोशॉप की तरह ही काम कर रहा है। तो इसको लाजमी से आप देखिएगा, इस यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा इससे। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है जी। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन लेयर्स बन चुकी हैं। ऐसा है कि जो जो लोग फोटोशॉप को अच्छी तरह जानते हैं वो इसको भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको इस चीज से का बताया जाए कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली photopea.com पे आए और यहाँ से अपने वर्क को कंप्लीट कर लें। ज्यादातर होता है कि क्लाइंट आपको काम ऐसे वक्त पे देता है जब आप अवेलेबल नहीं होते, आपके पास लैपटॉप अपना अवेलेबल नहीं होता,
तो आपको किसी के लैपटॉप से अपना काम चलाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए फायदेमंद ज्यादा है जो इसको जानते हैं, जो फोटोशॉप को जानते हैं, और जो लोग इनको नहीं इसको नहीं जानते वो लाजमी से, उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि वो लाजमी से अपने स्किल को इम्प्रूव करें, फोटोशॉप सीखें, इलस्ट्रेटर सीखें, ताकि अपने आप को अपना स्किल को बिल्डअप करें, ताकि आप मुख्तलिफ काम कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।